तो देख लीजिए गाइस, बड़खत चौक के जो गणेश है आपको कुछ इस तरह से दिखाई देंगे, और बस यहाँ से भी जो है प्रस्थान होते हैं। इस साइड में आप देखोगे कुछ गणेश जी की प्रतिमाएं बनते हुए आपको दिखाई दे रही है। बनते मीन्स यानी जस्ट सजावट डेकोरेशन यहाँ पर किया जा रहा है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, आगे का भी देख लेते हैं हम लोग। चिंतामणि मूर्ति कला मंदिर के नाम से ये देख लीजिए, यहाँ से बता देता हूँ मैं आपको। मिनिमम 250-300 से यहाँ पर शुरू हो जाएंगे गाइस। ठीक है, देख लीजिए, अलग अलग रेट रहता है, होलसेल का अलग रेट रहता है। ओके, ये भी देख सकते हैं यहाँ पर सबसे बड़े गणेश जी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं बनते हुए, दिख रहा है। हिल टॉप का राजा के नाम से जाने जाते हैं, देख लीजिए। इस बार का थोड़ा जो लुक है अलग है। सो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। देख सकते हैं दोस्तों, नागपुर के चितारोली में यहाँ पर आया हूँ मैं, और जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर मूर्तियाँ जो है गणेश जी की यहाँ पर बनती है, तो उसी के बारे में इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। देख सकते हैं किस तरह से माहौल यहाँ पर जो है दिखाई दे रहा है, भीड़ का नज़ारा आपको दिखाई देगा, देख लीजिए। आइए हम लोग देखते हैं फर्स्ट नंबर की अष्टविनायक मूर्ति भंडार के नाम से है। शिवांश मूर्ति भंडार आपको दिखाई दे रहा है, उसी के पास जैसे यहाँ पर मैं आया हूँ, इनके पास भी बहुत ही सुंदर जो है मूर्ति आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। देख लीजिए, रेट मैंने आपको पहले बता दिया, कमाल चौक का अलग रेट है दोस्तों, यहाँ का अलग रेट है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। जयसवाल मूर्ति भंडार के नाम से, ये भी देख लीजिए। देख सकते हैं दोस्तों, आधे से ज़्यादा गणपति तो यहाँ पर आपको जो है बनते हुए दिखाई देने वाले हैं। देख सकते हैं आधे रेडी हो रहे हैं कुछ इस तरह से, और बारिश का मौसम भी आप देखोगे, बारिश अभी हल्की हल्की यहाँ पर शुरू हो गई है गाइस। ये देख सकते हैं कुछ गणपति आपको यहाँ पर जो है रेडी यहाँ पर दिखाई देंगे, देख लीजिए। ये देख सकते हैं इस दर में, ये भी आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो बोलने का मतलब ये है गाइस कि इस मूर्ति भंडार में आने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे जो है गणेश जी आपकी प्रतिमाएं दिखाई देंगी, पूरे नागपुर के जो है यहाँ से ही प्रस्थापित होती है, जैसे कि आपको बताना चाहता हूँ मैं, प्रस्थान ही ऐसे होता है कुछ इस तरह से। ये जो शॉप आपको दिखाई दे रही है राजेश गायकवाड़ जी की है, जिनके पास आप देख सकते हैं बड़े से बड़े जो है गणपति यहाँ पर जो है रेडी किए जाते हैं। देख लीजिए, आपको कुछ बनते हुए दिखाई देंगे, पेंडिंग में भी है। ठीक है, देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ कुछ इस तरह से नज़ारा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं। तो चलिए गाइज, अभी जो है मैं आपको मेन मूर्ति मार्केट की तरफ लेके चलता हूँ चितारोली का, जहाँ पर आपको बहुत सारे जो है गणेश जी यहाँ पर दिखाई देंगे। देख सकते हैं ये है वो गली जहाँ पर रहते हैं दोस्तों गणेश जी, आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। देख लीजिए लोगों की भीड़ कुछ इस तरह से है, इस साइड में भी आप देख सकते हैं, चलते हैं। तो गाइज, एक जो शॉप है अशोक मेटल वर्क्स के नाम से, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से गणेश जी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, देख सकते हैं। आप देखोगे काफी अच्छे आपको। एक शॉप और देख सकते हैं वास्तु कला केंद्र के नाम से आपको दिखाई दे रही है, देख सकते हैं यहाँ पर भी काफी अच्छे जो है गणेश जी की प्रतिमाएं आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और जैसे कि जो है दोस्तों मार्केट जो है वहां से शुरू होता है, मैं थोड़ा बीच में से आ गया हूँ, तो चलिए हम लोग पहले इस साइड में चलते हैं, इधर का कवर करते हैं। इस साइड में आप देखोगे कुछ गणेश जी की प्रतिमाएं बनते हुए आपको दिखाई दे रही है। बनते मीन्स यानी जस्ट सजावट डेकोरेशन यहाँ पर किया जा रहा है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, आगे का भी देख लेते हैं हम लोग। देख सकते हैं यहाँ पे छोटी जो है प्रतिमाएं आपको दिखाई देंगी, ये देख लीजिए, इस साइड में भी आप देख सकते हैं। चिंतामणि मूर्ति कला मंदिर के नाम से ये देख लीजिए, यहाँ से बता देता हूँ मैं आपको। मिनिमम 250-300 से यहाँ पर शुरू हो जाएगा गाइस। ठीक है, देख लीजिए, अलग अलग रेट रहता है, होलसेल का अलग रेट रहता है। ओके, ये भी देख सकते हैं यहाँ पर। तो देख सकते हैं गाइस, एक ब्लैक कलर के आपको गणेश जी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कुछ इस तरह से, देख लीजिए नज़ारा। और संजय सूर्यवंशी इनके जो है शॉप के पास यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, देख लीजिए कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है, तो यहाँ से अभी हम लोग चलते हैं आगे में,
और इधर तो आपको बहुत सारी जो है मूर्ति आपको दिखाई दे रही है, जो कि मैं अभी थोड़ी देर में कवर करूँगा, उसका थोड़ा आगे चलते हैं। ये जो है यहाँ का थोड़ा मेन आपको गणेश जी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, देख सकते हैं सबसे बड़े गणेश जी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, बनते हुए दिख रहा है। हिल टॉप का राजा के नाम से जाने जाते हैं, देख लीजिए। इस बार का थोड़ा जो लुक है अलग है, यानी आप देखोगे ऊपर में जो मुकुट रहता है वो थोड़ा यानी आप देख सकते हो पेशवा टाइप का, अलग टाइप का आपको यहाँ पर दिखाई देगा। मैं दूर से दिखा देता हूँ आपको, इस बार का जो लुक है थोड़ा अलग आपको दिखाई देगा कुछ इस तरह से। हिल टॉप का राजा देख लीजिए गाइस, हिल टॉप का राजा बनते हुए आपको दिखाई दे रहा है कुछ इस तरह से, ठीक है। बनने के बाद बहुत ही बढ़िया यहाँ पर दिखाई देगा, और प्रस्थान जो है मेरे ख्याल से कल होने वाले हैं यहाँ पर। तो देख लीजिए गाइस, रास्ते का जो है जैसे आप देख सकते हो बीच में एक बैरिकेड लगा के इसको सिंगल पार्टीशन यहाँ पर किया गया है, और चारों तरफ आपको यहाँ पर जो है दिखाई देंगे पुलिस बंदोबस्त। इस साइड में भी देख सकते हैं, उस साइड में आप जाओगे होटल आमिर के पास में आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं और आगे का नज़ारा देखते हैं। तो चीतारोली की मेन जो है मूर्ति मार्केट में आया होगा इस, अभी ये जो गणेश जी है यहाँ पर निकल रहे हैं आप देख सकते हैं, सभी लोग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, पूरे बैंड पार्टी यहाँ पर आ चुकी है और बस अभी रेडी हो रहे हैं यहाँ से। देख लीजिए कुछ कुछ गणपति आपको यहाँ पर अभी दिखाई देंगे जो बन रहे हैं, रेडी हो रहे हैं कुछ इस तरह से, आइए देखते हैं। तो देख लीजिएगा इस बड़खत चौक के जो गणेश जी है आपको कुछ इस तरह से दिखाई देंगे, और बस यहाँ से भी जो है प्रस्थान हो रहे चितारोली की इस गली में आने के बाद आप देख सकते हैं गाइस कुछ इस तरह से आपको बहुत सारी प्रतिमाएं दिखाई देंगे गाइस, बहुत सारी देख सकते हैं, देख लीजिए आप। देख सकते हैं ये था दोस्तों आज का अपना ब्लॉग, कैसा लगा मुझे जरूर बताना, साथ में अपना जो चैनल है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। नागपुर के ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनते रहेंगे जो कि मैं धीरे धीरे बनाते जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक्स।